बीमारी एक एक आयरिश पेटेटो फाइन फेमाइन आया था ठीक है आयरिश पेटेटो फेमाइन आया उसके कारण क्या हुआ अब उसके कारण जितने भी लोग क्रॉप जो हमारा पेटेटो था उस पर डिपेंडेंट थे उन सब लोगों की लाइफ गई मतलब ये एक डेथ का कारण बना पेटेटो क्योंकि ये क्या था बहुत चीप कॉस्ट का था ठीक है ये सस्ता पड़ता था तो बहुत सारे लोग के लिए कि स्टैंडर्ड फूड हो चुका था सस्ता है तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे एक्सपेंसिव फूड वो लोग इसको यूज़ कर सकते थे और हर किस्म के सर जो हम लोग बनाते हैं सब्जियां बनाते हैं या सो कैसे भी रॉ भी हम लोग को कंज्यूम करना उबाल के कंज्यूम कर लिया तो उस तरीके से ये हर किसी की नीड्स को फुलफिल कर देता था बट एक बार आयरिश पटेट ऑफ आया और उसके कारण क्या हुआ वहां पर वो डेथ का कारण बन गया इसीलिए इन्होंने बताया कि न्यू कुड मेक द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ ठीक है तो ये और इवन पता है हंड्रेड एंड थाउजेंड ऑफ जो फार्मर्स थे वो स्टारवेशन के कारण ही उनकी डेथ होगी मतलब क्योंकि उनको कुछ फूड मिला ही नहीं अब ठीक है तो उस कारण से भी उन लोग का ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिला दिस इज सिंपली बेस्ट तरीके से आयरिश पटेट ऑफ आया नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग को इससे स्टार्ट करना है दैट इज एंड ट्रेड तीन अलग अलग वर्ड है सर कैसे क्या हुआ कनकेस्ट क्या हुआ कैसे लड़ाई हुई कौन जीता क्या डिसीजे हुई ट्रेड कैसे क्या हुआ तो हम लोगों ने ये समझा कि भाई जब मैं ट्रेवल कर रहा हूँ जब फूड मतलब जब हम लो लोग ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं या ग्लोबल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो एक जगह से दूसरे जगह लोग ट्रेवल कर रहे हैं अब जब लोग ट्रेवल कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं होगा अब समझना ट्रेवल करना इज डिफरेंट थिंग यहाँ पर तुम ट्रेवल नहीं कर रहे हो तुम ट्रैवल तो कर ही रहे हो बट ट्रेवल के साथ क्या करेंगे वहाँ तुम जाके उसको रूल करना चाहते हो वहाँ पर अपना डोमिनेंस दिखाना चाह रहे हैं लोग तो जब हम अपना डोमिनेंस दिखाने जाएंगे तो वो लोग हमारा वेलकम तो नहीं करेंगे सिंपल ना और ऊपर से क्या करते हैं जैसे हम लोग इंडिया की बात करते हैं हमारे इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करा उन्होंने सिंपली एक ही चीज़ बोली थी कि हम सर ट्रेड करेंगे उनका मेन पर्सपेक्टिव क्या 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 था ट्रेड ट्रेड तो ये ये लोग हर, कंट्रीज में जनरली जनरली करके जितने भी यूरोपियंस हैं करते थे ट्रेड के नाम से ही सामने वाली कंट्री में जाते थे और वहां से जब ट्रेड का नाम लेके बाद में क्या करने लगते थे वहां रूल करने लगते थे ठीक है या उसको अपनी कॉलोनी बना लेते थे तो इसके कारण भी क्या हुआ बहुत सारी चीजें देखने को मिली आगे समझेंगे वो क्या हुआ डिसीजेज अब डिसीज भी हम लोगों ने समझा था कि जैसे कोविड नाइन्टीन फैला जैसे डिसीज भी फैली और कुछ कुछ डिसीजेज ने इनको कनकिस्ट के अंदर हेल्प भी करी कैसे करी वो भी देखेंगे आगे और ट्रेड का मतलब हमको सिंपली पता है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सिंपली मतलब हमारा व्यापार बिजनेस होना उसको हम लोग ट्रेड Business and trade is different, different things, हाँ, हम लोग बोल सकते हैं कि भाई ये चीज़ वहां देखने को हमको मिली अब, अभी, अभी हम हम की की अब प्री मॉडर्न वर्ल्ड क्या हो गया श्रैंक होने लगा मॉडर्न वर्ल्ड श्रैंक होने लगा कैसी बात कर रहे हो आप छोटा थोड़ी हो सकता है ना देश पार्ट क्या हुआ पहले क्या होता था जैसे मान लो ये कोई कंट्री है ठीक है

इसके पास भी क्या था इधर समुद्र था तो उसको भी ये लगता था कि यहाँ पर पर जब ये इन लोगों ने ढूंढने के लिए निकले अलग अलग चीजें कुछ क्योंकि उन्होंने कहीं कहानियों में सुना था कि यार हो सकता है यही सोना मिल रहा हो या फिर जैसे जैसे यूरोपियंस ने नई नई चीजें डिस्कवर करना स्टार्ट करी ठीक है हम लोग कोलम्बस के बारे में डिस्कस करा ठीक है वास्को वास्कोडेगामा ऐसे बहुत सारे जो सेलर्स थे अब जब उन्होंने डिस्कवरीज करना स्टार्ट करी वो क्या हुआ इस प्लेस से इस प्लेस को उन्होंने सर्च कर लिया अब जैसे ही उन्होंने सर्च करा तो इसको क्या लगा नहीं यार भाई अब ये जगह के बाद मेरी भाई इतनी जगह और भी है ठीक है तो अभी सर आप तो बता रहे हो कि वर्ल्ड श्रैंक हो रहा है तो श्रैंक कैसे हो रहा है अब उसको ये भी पता चल रहा है अच्छा हाँ भाई ये जगह भी है ठीक है ऐसी जितने जितनी सब जगह थी वो सब हम लोग को अब क्या लगे के? मिलने लगी और अब ये सब क्या हो गया बाई दी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ठीक है मतलब हमारे सी रूट बोल दो या कोई से जिस जिस तरीके से हम लोगों ने पहले तो इंटरनेशनल ट्रेड जो थी हमारे वो सी के थ्रू ही हो रही थी तो जैसे जैसे सी रूट अब इनके बीच में पता चलने लगे तो इनका एरिया भी बढ़ा

ठीक है अब या फिर हम लोग जो भी जितने भी बहुत सारे सेलर्स आए सब लोगों ने अलग अलग चीजें सर्च करी हम लोग वास्को डेगामा की बात करते हैं तो जो क्रिस्टोफर कोलम्बस था वो कोलम्बस एक्चुअली क्या करने निकला था वो इंडिया को ढूंढने निकला था निकला इंडिया को ढूंढने के लिए और वो उसको मिला का वो जाके पहुंच गया अमेरिका के अंदर ठीक है अब जब अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिकाज बोला गया है यहाँ पर तुम लोग जो पढ़ोगे तो मुझे समझ में आएगा बुक के अंदर तो ये जो अमेरिकाज करे तो अमेरिकाज मतलब जिसमें नॉर्थ और साउथ दोनों पार्ट को कवर किया गया इनिशियली क्या उन्होंने अमेरिका ढूंढा तो उन्होंने क्या करा इस तरीके से अमेरिका को सर्च कर लिया उन्होंने तो बताया कि अमेरिकाज पूरा सर्च हुआ ठीक है फिर बाद के अंदर और डिस्कवरीज हुई तो उन्होंने जैसे इंडिया को ढूंढा ठीक है फिर इंडियन ओशन उन्होंने बताया कि बाद में क्या होने लगा कि जब इंडिया ढूंढने लगा तो इंडिया भी बहुत अच्छे से ट्रेड होने लगा हम लोग हम लोगों ने जब सिल्क रूट के थ्रू ट्रेड होने लगी थी तो अब इसके थ्रू क्या हो गया ट्रेडिंग के लिए हम लोग बहुत पॉजिटिव हुआ तो फॉर सेंचुरीज बिफोर द इंडियन ओशन हैड नोन बर्स्टिंग ट्रेड और कुछ समय तक तो हम लोगों ने ये भी देखा है बहुत समय कि बहुत समय तक इंडिया का जो ओशन था इंडियन ओशन क्योंकि जब क्या था हमारे पास एयरवेज नहीं थी ठीक है तभी हमारे जब एयरवेज नहीं थी तो इंडियन ओशन के थ्रू मतलब जो सी वेज थी उसके थ्रू ही ट्रेडिंग होना स्टार्ट हुई तो वहां पर हम लोग अच्छी खासी ट्रेड अच्छे अमाउंट में ट्रेड देखने को मिलते थे अब जब उन्होंने सिंपली बताया कि जब जैसे हम लोग बता था ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे ही आई तो उसने ट्रेडिंग का पर्टिकुलर काम बोले कि हम ट्रेडिंग करने के लिए आ रहे हैं तो उन्होंने ऐसे ही करा कि यूरोप से आए और ट्रेड करने लगे तो इन्होंने इंडिया का बताया कि इस तरीके से वो लोग क्या करके अपने एरियाज में आए और उन्होंने ट्रेड करना स्टार्ट करी और ट्रेड करते करते अलग अलग लोग आए और अलग अलग उन्होंने चीजें करने लगे अब जब वो अलग अलग चीजें करने लगे ट्रेड का सबसे पहला उनका मोटिव क्या था ट्रेड करना कि भाई वहां से लाएंगे यहाँ बेचेंगे यहाँ से लाएंगे वहां बेचेंगे पर ट्रेड करने के बाद क्या करा इन्होंने कॉन्केस्ट करना लगा कॉन्केस्ट कैसे करा अब हम लोग बात करते पहले इंडिया को हटाते पहले हम लोग अमेरिका की बात करते हैं अब जब अमेरिका की बात करते तो अमेरिका वहां पर ऐसा नहीं कि अमेरिका में लोग नहीं रहते थे ठीक है अमेरिका में भी लोग रहते थे अब ये मान लो अमेरिका के अंदर लोग रहते हैं और अमेरिका के अंदर अब ऑब्वियसली जब ये वर्ल्ड से कनेक्टेड नहीं है तो इसको क्या लगेगा अमेरिका को कि भाई जो मेरी दुनिया है वो मेरी जो धरती है चाहे हम रहते हैं वो इतनी है तो यहाँ पर जनरली ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ तो यहाँ पर जो उनके ट्राइबल एरियाज हैं ठीक है थेके? वो मतलब ट्राइबल एरिया यहाँ पर ट्राइब्स ही जनरली रहते थे तो इनके जो नेटिव अपन बोल सकते हैं जो इनके नेटिव लोग थे वो रहने लगे अब जब नेटिव लोग वहाँ रहते थे उनके ट्राइब्स रहती थी तो इन लोगों के पास क्या होता था बहुत अपन क्या बोल सकते हैं मॉडर्न इक्विपमेंट्स नहीं हुआ करते थे क्योंकि इन लोगों को पता ही नहीं है ना इन लोगों के लिए तो इनकी दुनिया सिर्फ इतनी है अब जब मेरी दुनिया सिर्फ इतनी है और इन लोग को अपने खाना पीना है उनको सिर्फ उनको कुछ भी नहीं उनको फूड शेल्टर क्लॉथ तीन चाहिए ठीक है फूड उनको वहीं पेड़ पत्तों से और उस तरीके से वहाँ पर वो खुद एग्रीकल्चर करते थे उनको मिनरल्स मिल जाते थे फूड हो गया शेल्टर के लिए वो वहीं रह लेते थे उस जो आसपास जंगलों में रह लेंगे या जिस तरीके से उनको छोटे मोटे विलेज टाउन बना के रहते थे और क्लोदिंग के लिए भी वहाँ पर तो ये सिर्फ इतनी ही इनकी चीज थी अगर कोई इनके पास अटैक करने आता भी है तो इनके पास अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई मॉडर्न इक्विपमेंट्स नहीं थे कोई गैजेट्स नहीं से सिंपल मान लो तो मैं सिर्फ पत्थर के बने हुए कुछ इनके पास टूल्स होंगे या लकड़ी से बने हुए टूल्स होंगे

तो अमेरिका ढूंढा और अमेरिका के अंदर आए तो अमेरिका में उन्होंने देखा कि यार ये तो बहुत अच्छी जगह है यहां तो बहुत मिनरल्स है मिनरल्च है मिनरल रिच कंट्री तो हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं हमारा ट्रेड बहुत फ्लरिश हो सकता है तो ये जाके क्या करने लगे इनसे? लड़ने। मतलब लड़ने दिखे सब ये जाएंगे ऑब्वियसली मैं मैं आके किसी कंट्री में रूल करने की बात करूंगा या वहां पर जाके वहां को डोमिनेट करूंगा तो बात है वो लोग क्या करेंगे मुझे अटैक करेंगे मेरे लिए रेड कारपेट लगा के वेलकम करने तो नहीं बैठे रहेंगे वो लोग तो जब ये लोग गए तो इन्होंने क्या करा लड़ाई करी अब जब इन्होंने लड़ाई करी तो लड़ाई करने के लिए एक चीज़ याद लड़ाई करने टाइम एक याद रखना कि मॉडर्न गैजेट्स इनके पास भी नहीं थे किनके पास यूरोपियंस के पास बट इनके पास अमेरिका वालों से अच्छे गैजेट्स हैं मतलब ऐसा नहीं कि इनके पास ये भी पत्थर और भाले से ही यूज करे थे तो नहीं लोग के पास गन पाउडर वगैरह चीज़ें थी ठीक है और अच्छी अच्छे इक्विपमेंट्स जैसे कह सकते हैं कि एकदम अल्ट्रा मॉडर्न ही थे लेकिन हाँ एडवांस टूल्स इनके पास थे जिसके कारण उनको बहुत मदद मिली प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो तुम लोगों को ध्यान में रखना है कि इनको मॉडर्न टूल्स या एडवांस टूल्स से जो बेनिफिट मिला वो तो मिला ही मिला लेकिन सबसे ज्यादा इनकी जो हेल्प करी वो किसने करी डिसीजेज ने हेल्प करी अब सर डिसीज ने कैसे हेल्प करी अब डिसीज ने ऐसे हेल्प करी कि वहां पर स्मॉल पॉक्स एक बीमारी होती है हमारी स्मॉल पॉक्स जैसे चिकन पॉक्स है ना ऐसे स्मॉल पॉक्स जो बीमारी है वो फैल गई अब फैल गई तो क्या हुआ अब जब जैसे ही फैली तो जो यूरोपियंस थे उन लोगों को पैस तो क्या था उसका इम्यून सिस्टम डेवलप था उनका इम्यून इम्यूनता स्ट्रांग था कि वो बीमारी अगर होती तो वो अपने आप को क्योर कर सकते हैं क्या होता है जैसे हम लोग जनरली पोलियो का हम लोग बचपन सुनते हैं ना कि दो जिंदगी की पोलियो पोलियो के क्या करते हैं दो ड्रॉप्स क्या पिलवाते हैं उससे क्या होता है वो एक्चुअली पोलियो के उसमें क्या होते हैं जो वीक उसके जो वायरसेस होते हैं वो क्या कर देते हैं आपको पिला देते हैं ताकि आपको जो इम्यून सिस्टम होता है वो उसके रिगार्डिंग क्या करे अपनी इम्यूनिटी डेवलप कर ले और यही चीज किसके पास थी ये इम्यूनिटी डेवलप यूरोपियंस की थी बट इन भाई लोगों को तो क्या सिर्फ इतनी ही जगह पता है इसके बाद तो ये कभी गए नहीं इन्होंने देखा भी नहीं तो जब इनके पास यहाँ पर वो लोग आया और इनके थ्रू किसी से वो बीमारी फैली तो वो बीमारी ने इनकी ज्यादा मदद करी कॉन्केस्ट करने में इसलिए यहाँ पर कॉन्केस्ट के साथ डिसीज भी वर्ड यूज कराए तो अगर हमसे पूछा जाए कि भैया यहाँ पर मॉडर्न टूल्स से ज़्यादा मदद करेगी बीमारी ने तो आप ये बोलोगे कि भाई साहब जो उनको बीमारी हुई थी जो स्मॉल पॉक्स बीमारी हुई थी उसके कारण क्या हुआ उसके कारण वो हमको देखने को मिला कि उनको क्या जो जीत मिली उसका श्रेय किसको जाता है मेनली स्मॉल पॉक्स की बीमारी को क्योंकि अमेरिकन्स के अंदर क्या थी उसकी इम्यूनिटी डेवलप्ड नहीं थी अब जरा समझते हैं कि हमको जो है हमारे जो मटीरियल हमारे पास में क्या बताया तो अमेरिका हैड बीन कट ऑफ

जो वहां पर मिनरल्स रिच थे जब हम लोग पढ़ा था कि वहां पर मिनरल्स हैं वहां की जो एग्रीकल्चर है तो वो अब वर्ल्ड के अंदर लोगों जैसे जैसे ढूंढने लगे उनको पता चलने लगा तो उसके कारण अमेरिका का नाम होने लगा प्रीशियस मेटल्स पर्टिकुलरली सिल्वर फ्रॉम द माइन लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे ऑफ पेरू एंड मैक्सिको कहाँ पर पेरू और मैक्सिको इसके कारण भी क्या हुआ यूरोप की वेल्थ अब जरा समझना कैसे यूरोप की वेल्थ पे इसका फर्क पड़ा क्योंकि ऑफ सी बात है यहाँ से लोग वहां लेने जाने लगे तो एक्चुअली क्या हुआ था ऐसा एक स्टोरीज इन लोग ने सुना था जैसे ये देखो मैनी एक्सपेक्टेशन सेट इन सर्च ऑफ एलडार्डो अब ये एल्डार्डो क्या है फेबल्ड सिटी ऑफ गोल्ड फेबल्ड सिटी ऑफ गोल्ड मतलब क्या लोगों के जैसे अपने पुराने ग्रंथ रहते हैं ना अपने पुराने ग्रंथों में कोई स्टोरी है तो ऐसे इनके भी दादा परदादा जो होते होंगे उन्होंने भी कोई स्टोरी सुनी होगी जैसे तो स्टोरी सुनी की यार एलडार्डो करके एक सिटी है जो कि पेरू वगैरह के आसपास है और वहां पर क्या होता है वहां पर बहुत गोल्ड है ये एक स्टोरी लोग तो तो सुना था उसकी सर्च के अंदर अलग अलग लोग जो भी सेलर है से वो यूरोप से कहां पर पहुंचे अमेरिका पहुंचे जब ये लोग अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने देखा यार वाह यार भाई यहां तो अभी गोल्ड ढूंढने लगे वर्ड उनको सिल्वर मिल गया उनको क्या हो गया वहां पर उन्होंने सिल्वर वगैरह की माइंस को तो सेकेंडरी तौर पर उन्होंने सबसे पहले तौर पर मुख्य तौर पर क्या देखा कि यार ये तो मिनरल रिच कंट्री है यहाँ का जो लैंड है जो सॉइल है वो भी बहुत फर्टाइल है तो यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से हो सकता है तो इन्होंने क्या करा एग्रीकल्चर के पर्पज से उस प्लेस को ढूंढा और अब क्या करने लगे लोग कहाँ से यूरोप से अमेरिका माइग्रेट होने लगे ठीक है इधर से इधर आने लगे अब सर जब ये यूरोप से अमेरिका आने लगे तो इसका पहला सोर्स तो हमको कारण पता चल गया भाई मैं अगर इन, भाई आया एन इंदौर और मैं अगर इंदौर से मुंबई जा रहा हूं ठीक है तो मैं इंदौर से मुंबई क्यों जाऊंगा क्योंकि मुझे मुंबई में कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है तो सेम ऐसे ही जो यूरोपियंस थे वो यूरोप से कहां पर पहुंच गए अमेरिका पहुंच गए इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज क्योंकि उनको लगता है कि वहां उनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी प्लस प्लस बेटर अपॉर्चुनिटीज प्लस एक और पार्ट जो उनकी प्रेजेंट कंट्री थी ठीक है जो यूरोप थी

तो हो सकता है मैं मुंबई ना जाऊं बट अब मैंने क्या देखा प्लस मुंबई के अंदर भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है और मैं इंदौर से भी क्या हो चुका हूं परेशान हो चुका हूं यहां पर मेरी जो लाइफ है वो अच्छे से नहीं चल पा रही तो मैं क्या चला जाऊंगा मुंबई चला जाऊंगा तो ऐसे ही सीने उन्होंने क्या देखा कि लोग यूरोप से परेशान हो चुके थे यूरोप वाले लोग ही और अब वो कहा ढूंढी नहीं अपॉर्चुनिटी और उनको कहा मिली वो अमेरिका में और यहां से लोग अमेरिका चले गए अब जरा आगे बढ़ते हैं क्या बताया ये सिंपल से फेवरेट सिटी ऑफ गोल्ड के सर्च में देखने गए मतलब क्या? कि वही जो हम लोगों ने बंदूक गोलियों की बात करी थी बंदूक और गोलियों के कारण ही नहीं जो तलवार से लड़े बंदूक से लड़े इससे ये लोग नहीं जीते बट यहां पर मोस्ट पावरफुल वेपन क्या था जो इनके यहाँ पर जो इन्होंने यूज करा वो थी स्मॉल पॉक्स ठीक है जो स्पेनिश कॉन्कर ने कॉन्करर्स ने यूज करा वो बोला उन्होंने स्मॉल पॉक्स और वो क्या कर दे कैरिड ऑन दर पर्सन जिस पैरे जो जिसपेस uh, लोग थे इनके साथ क्या हुआ स्मॉल पॉक्स लेकर आए जो अमेरिका के थ्रू आए जो ये सब लोग थे तो इनको क्या हुआ स्मॉल पॉक्स थी और इनकी इम्यूनिटी इनके अंदर डेवलप थी ठीक है बिकॉज ऑफ दियर लॉन्ग आइसोलेशन ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैड नो इम्यूनिटी अगेंस्ट दिस डिसीज विच केम फ्रॉम यूरोप तो उस कारण से इनको पर्टिकुलरली बहुत नुकसान हुआ तो स्मॉल पॉक्स इज पर्टिकुलर प्रोवाइडेड डेडली किलर इट किल्ड एंड डेकमेटेड उन्होंने पूरा बताया कि उन्होंने डेसीमेटेड होल्ड होल कम्युनिटीज होल पेइंग द वे फॉर कॉन्केस्ट अब ये पूरा देखते हैं जस्ट अ सेकेंड स्मॉल पॉक्स इज पर्टिकुलरली प्रूव अ डेडली किलर अब डेडली किलर क्यों आया भाई क्योंकि इसके कारण क्या हुई जितने सारे लोग थे जितने वहां की कम्युनिटी की कम्युनिटी खत्म होने लग गई ठीक है तो पर्टिकुलर बात यही चीज समझ में आई कि भाई यहाँ पर नुकसान हुआ और इस कारण से क्या हुआ ये कौन जीत गए ठीक है ये कोई स्मॉल पॉक्स ऐसी कुछ आ, डिसीज हुई जिसके कारण वहां पर बहुत उनको नुकसान देखने को मिला तो ये पार्ट उन्होंने बताया कि इस तरीके से भी प्रॉब्लम देखने लगी अंटिल द नाइनटीन सेंचुरी जैसे हम लोग देख रहे थे पॉवर्टी और हंगर भी क्या था यूरोप के अंदर हर जगह फैला हुआ था पॉवर्टी और हंगर फैलने के चक्कर में क्या हुआ ये लोग दूसरी आगे जगह और शांत हाँ भाई कॉन्फ्लिक्ट रिलीजियस पार्ट से भी बहुत होने लगे रिलीजियस पार्ट से भी कॉन्फ्लिक्ट देखने लगे अब भाई मान लो दो जैसे अगर हम जनरली हम लोग इंडिया के अंदर देखते हैं तो जनरली हिंदू एंड मुस्लिम्स के अंदर बहुत कॉन्फ्लिक्स देखने तो ये क्या हो गया ये एक रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो वहाँ पर भी क्या होने लगा वहां पर भी रिलीजियस कॉन्फ्लिक्स होने लगे उनके बीच में अलग अलग बिलीव्स आने लगे तो उन्होंने बोला कि यार नहीं यार हम तो क्या हो, जैसे मुस्लिम्स जब हम लोग का इंडिया पार्टीशन हो रहा था तो क्या बोला बहुत सारे मुस्लिम बोला हम एक अपना देश बनाना चाहते हैं और वो कहाँ चले गए पाकिस्तान चले गए ठीक है तो ऐसे ही बहुत सारे लोग कहाँ से यूरोप से पहुंच गए अमेरिका के अंदर क्योंकि वहां पर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को देखने रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिल रहे थे तो ये प्रॉब्लम देखिए इन दी एटीन सेंचुरी चाइना एंड इंडिया वर अमंग दी वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री अब देखो 18वीं 18वीं सदी तक क्या था इंडिया और चाइना रिचेस्ट कंट्रीज के अंदर थे तुम तो लोग को फैक्ट भी पढ़ोगे तो जो हैदराबाद के हमारे जो निजाम थे वो अमंग दी रिचेस्ट मैन इन दी वर्ल्ड उनका नाम आता था ठीक है तो अब जब हम लोग बात करते तो इंडिया और चाइना के पास क्या था बहुत संपत्ति थी बहुत सारी चीजें हमारे पास हम लोग बोलते ना सोने की चिड़िया क्यों बोलते बिकॉज हमारे पास इतने सारे संसाधन थे तो पर्टिकुलरली यहाँ पर क्या हुआ यहाँ पर बहुत सारे संसाधन देखने को मिले थे और जब इतना ज्यादा हम लोग के पास हमारी हमारे इंडिया पर अटैक ही क्यों इनोवेट ही क्यों बार बार बिकॉज हमारी जो वेल्थ थी उसके चर्चे दूर दूर तक थे अब जब दूर दूर तक चर्चे थे तो हमारी कंट्री से ज्यादा चाइना वालों ने अच्छे से दिमाग लगाया और चाइना वालों ने क्या बोला कि अपनी जो ट्रेड हमारी जो कंट्री है ओवरसीज ट्रेड है उसको कौन वो बोले कि हम लोग उसको आइसोलेट कर लेते हैं हमको रिजर्व कर देते हैं कि हम इससे ज्यादा नहीं बढ़ेंगे और हम भाई साहब इंडिया ने क्या करा भाई अतिथि देवो भव वाला सिस्टम हम लोगों ने क्या करा यहां पर अपने आप को और भाई जहां हमको पॉपुलैरिटी मिल रही तो वही हम तो वहाँ आगे रह के जाएंगे तो वही चीज यहां देखने को मिली कि इंडिया जबकि बहुत रिचिस कंट्री में आता था बट इंडिया ने क्या करा अपने आप को कन्फाइन नहीं करा और चाइना ने वहीं अपने आप की जो जितना भी एरिया था उसको अपने पास रोक के रखा सीमित रखा सीमित और इंडिया इंडिया ने उसको प्रमोट करे जिस कारण से की तरफ ज्यादा ज्यादा लोग आए और इंडिया को लूट के ले गए यही बात करते हैं चाइना रिड्यूस इट्स रोल चाइना ने अपना रोल को रिड्यूस करा और, राइजिंग और दी राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द अमेरिका ग्रेजुअली मूव्ड द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड वेस्टवर्ड और क्या हो गया अब चाइन तीन कंट्रीज के अगर हम लोग हम लोग चार मेजर कंट्रीज के हम लोग यहाँ पर डिस्कस करें एक का नाम यूरोप पड़ा हम लोगों ने ठीक है फिर दूसरे हमारे पास अमेरिका आई तीसरे नंबर पर हम लोगों ने चाइना का नाम समझा और फिर हम लोग इंडिया का नाम समझते हैं अब समझना यूरोप पहले था अब यूरोप से लोग कहाँ पर जा रहे हैं यूरोप से लोग खुद अमेरिका में जा रहे हैं क्योंकि वहां भी उनको अच्छे मिनरल्स मिल रुण रुण रहे हैं ठीक है इंडिया और चाइना अमंग रिचेस्ट हैं और चाइना ने अपने आप को क्लोज इकोनॉमी मॉडल में रख दिया कि भाई हम हमारी धीरे धीरे क्योंकि वो खुद लोग क्या इंपॉर्टेंस दे रहे अमेरिका को दे रहे यहां से सर्च के अंदर वहां जा रहे हैं क्योंकि यहां खुद परेशानियां हो रही है और रही बात इंडिया तो इंडिया जस्ट से अब रही बात किसकी जहां पर इंडिया की तो इसी कारण से चाइना पे जगह ये, ये यूरोपियन से पहले जैसे वो अमेरिका में गए ऐसे फिर वो कहां पर आए इंडिया में गए और इंडिया को इन्वेट करना स्टार्ट कर तो उन्होंने ये बताया कि इस तरीके से जो पूरी वर्ल्ड का सेंटर था। अभी इंडिया मिला नहीं अभी हमको ऐसा समझ लो तो अभी क्या दिख रहा है हमको अमेरिका दिख रहा है ऐसा नहीं मिला नहीं समझा रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए कि भाई अभी मान के चलो हमारे पास ये नहीं आया तो अभी सेंटर ऑफ ट्रेड क्या देखने को मिल रहा है हमको अमेरिका देखने को मिल रहा है तो लोग कहाँ पर ट्रेडिंग के लिए जा रहे हैं आप अमेरिका में जा रहे हैं तो ये हम लोग को पूरा मेन सीन देखने को मिला कि किस तरीके से हम लोग की वॉर्स हुई और वॉर में कैसे डिसीज ने कौन करने में मदद करी सो दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक